शाहरुख खान मालूम है भाई इनको। यहाँ पे पूरा फ्रीडम है भाई, फैमिली वाले बोल रहे थे ना। ओके, आई एम फ्रॉम इंडिया, न्यू दिल्ली में छुट्टी घूम रही है ना। अब आप उनसे बात करना चाहोगे ना, तो उसकी मम्मी बोली कि ठीक है जाओ बात करो, घूमो फिरो, खाने। टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया। ऋतिक रोशन को बोलती है कि छह उंगली है उसके तो भाई। मेसी नेमार। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये सच में गरीब कंट्री, आप ये सब देख के बता सकते हो? देख के लगता है फ्यूचर में आ गए भाई। भाई अस्थाना में एक एलियन आया था बहुत सारे, और उन्होंने क्या किया ना कि अपना स्पेसशिप यहीं पे छोड़ दिया था। वो स्पेसशिप नहीं लग रहा है तो भाई, वो स्पेसशिप यहीं पे छोड़ के चले गए थे। तो दिखाता हूँ, वो स्पेसशिप बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखो वो स्पेसशिप है भाई। काक देला ओके, पाका पाका, बाय बाय भाई। फ्रेंडली है भाई यहाँ के लोग तो बड़ा। देख लो सब शाम को ना यहाँ पे भीड़ लग जाती है, जैसे वियतनाम में। आपने मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो वियतनाम के ब्लॉग में यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। एक्चुअली एलियन लोगों ने नहीं छोड़ा था यहाँ पे, तो एक्चुअली उन्होंने डिज़ाइन दिया है, तो लगता है स्पेसशिप जैसा है। वो है कजाकिस्तान का झंडा, अगर किसी को नहीं मालूम है तो। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है मैं आज दिखाने की ट्राई करूँगा क्या क्या है, और सबके नाम यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगा मैं। तो देख लो भाई क्या खचाखच भीड़ है यार। शाम होते ही धूप ख़त्म हुआ कि नहीं अभी देखो, बज रहे हैं 7:30, और जैसे कि आपको ये देख लो अभी सूरज ढला नहीं है यहाँ पे, और क्यूट क्यूट से बच्चे। कासा का मतलब तो मुझे मालूम है, टिकट ऑफिस है इसके साथ, टिकट विकेट लगती है भाई, पूछ लेते हैं ऑफिस होता है। अब इसके अंदर जाने के साथ टिकट लगती है। सो भाई अंदर में सर्कस है, तो ये वाली बिल्डिंग आप जिसको जो फैमिली के साथ आ रहा है वो सर्कस देख सकता है। हेलो, कर गया ये, और बढ़िया सा फाउंटेन बना रखा भाई, शानदार सा, ये देख लो। और ये अब इतने गोरे ने क्या बोलेगा, हेलो दिव्या। ओ भाई पूरा गुस्से है तो। भाई इतना फ्रेंडली बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा भाई, पूरा फ्रेंडली है। तो जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो भाई, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स है, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग भरी है। पीछे मॉल है और बाकी खाली बिल्डिंग है भाई, लगता है ना दुबई में आ गए जैसा वाला सीन है। और पूरी वो सिस्टमेटिक बना रखा है इन्होंने, यार देखो पार्क वार्क। और इतनी ट्रैफिक है ना भाई, देख लो कार भरी पड़ी है भाई, एक भी आपको बाइक वाइक नहीं नज़र आएगा। और वो जो सामने आपको ये छतरी जैसा बिल्डिंग दिख रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक बिल्डिंग बना रखा है भाई उसने तो। वो देख मेरे को ना बहुत पसंद आ गया, तो मैं सोचा जाके देखूंगा एक्चुअली है क्या वो। यहाँ पे ना बड़ा मेंटेन बालू में ही मेंटेन करके रखे यार, यहाँ पर हमेशा फुहारे चलते रहते हैं और हमेशा कोई पेड़ सूखता नहीं है भाई। बताओ ये कौन सी सिटी है भाई? दुबई नहीं है भाई, ये दुबई तो एकदम नहीं है, आप दुबई नहीं कह सकते इसको, और दुबई है भी नहीं। ये अस्थाना सिटी, और दुबई जैसी बस है और दुबई जैसी बिल्डिंग है सारी, और ये पार्क वार्क सब दुबई जैसी है, और सारी ट्रैफिक रूल भी वैसी है भाई। और वो बिल्डिंग बहुत ही खास अच्छी दिख रही है और मैं जो कंट्री में खड़ा हूँ, लोगों को इंडियन में पता है कि ये बहुत ही गरीब कंट्री है भाई। तो आप मुझे कमेंट में बताओ ये सच में गरीब कंट्री है, आप ये सब देख के बता सकते हो? तो ये जो देखो ये वाली लग रही है आपको, ये ट्रैफिक कि एक भी आपको यहाँ पे बाइक नहीं दिखेगी भाई, क्रॉस करते ग्रीन हो गया। और एक बसेस ऐसी दिखेंगी ना भाई, क्या एडवांस बसेस है ये इनके पास, और देख के लगता है फ्यूचर में आ गए भाई। भाई बहुत ही खूबसूरत सी सिटी है, मतलब कैपिटल है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी। देखो क्या बना रखा है यार, क्या एकदम सिस्टमेटिक बना रखा है इन्होंने,
मजा आ गया यार देख के तो। अब हमें उस साइड जानी है। और ये देखो सिस्टम ऐसे टूर एंड एवेन्यू ये वो सारा सब सिस्टम से बना रखा है भाई। इधर बटन वटन नहीं है। नॉर्मली क्या है ना आपको यहाँ पे भी बटन दिया हुआ है बहुत बहुत जगह। अगर आपको देख रहे हैं बहुत सारा ट्रैफिक है तो ये बटन प्रेस करो और आपको सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हो भाई। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है यहाँ पे, पूरा फ्रीडम है भाई। फैमिली वाले बोलते जाओ अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, ऐसा वाला सीन है यहाँ पे। और वो खुद बोलते जाओ कहीं घूम घूम के आओ, ऐसा वाला सीन है भाई। और यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई मम्मी और बेटी घूम रही है ना, अब आप उनसे बात करना चाहोगे ना तो उसकी मम्मी बोलेगी ठीक है जाओ बात करो घूमो फिरो खाने वाने जाओ, यार मज़ा आता है। तो ये वाला सीन बहुत भी पसंद है भाई मुझे तो यहाँ पे वो चीज़ फ्रीडम अच्छा लगता है। हमारे तरफ है अगर कोई लड़की अगर मम्मी के साथ घूम रही है उस लड़की से बात के लिए तो उसकी मम्मी तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं भाई, ऐसा वाला सीन है। और देखो यहाँ कार से घूम रही है कागदेला, ये मस्ती है एकदम। मेकअप तो हम मैं सोचता था यहाँ इतनी गोरी है मेकअप नहीं करती भाई, गोरी होने के बाद भी मेकअप यहाँ रहता है पूरा भरा था पूरा। और ये वाली बिल्डिंग है वो भाई, चलते हैं। और जब इनको डाउट होगा ना कि मेकअप ख़राब हो रहा है थोड़ा सा भाई, बैठ के ना कहीं भी बेंच में पूरा मेकअप चपो देंगे फिर जाएंगे भाई। और एक चीज़ नेगेटिव अच्छा, यहाँ का लोग को ना ऊँची आवाज़ पसंद नहीं है तो आप कभी भी, और आपके यंगस्टर कोई नहीं डिस्टर्ब कुछ बोलेगा, लेकिन यहाँ की जो बूढ़ी बूढ़ी बाबुस्का या आंटियाँ बोल लो भाई, आपने ऊँची आवाज़ में पब्लिक प्लेस में ही बात कर ली ना आपको तो सुनने मिल जाएगा भाई। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। You had to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got up in a day. Как дела? Хорошо. Oh, tell me something about India. Что вы знаете насчет? Сейчас. Тадж Махал. Сейчас. ओके बताइए सियास ओके बताएगी भाई, अभी बताएगी थोड़ी देर में रुको। शाहरुख खान मालूम है भाई इनको भाई, बहुत रिसर्च करने के बाद उसने बोला है भाई कि शाहरुख खान सॉन्ग सॉन्ग ऋतिक रोशन मेरे को बोल रही है छह उंगली है ना उसके, ऋतिक रोशन को बोलती है कि छह उंगली है उसके तो भाई। ये बोल रही है ना कि शाहरुख खान मेरा हस्बैंड है। ब्राजीलिया ओके गुड 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 गुड। मेसी नेमार नेमार की फैन है भाई। ओके ओके बाय रसीदानिया फोटो फोटो सब बोलदस चल बोलदस आ जा आ जा फोटो फोटो। सो भाई फाइनली हम आ गए हैं उस बिल्डिंग के पास जिसको देख रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सब बना रखा है। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। और ये देखो ये बिल्डिंग है भाई, चलते हैं अंदर में। और ये दुबई के जैसा कॉपी कर रखा है भाई, ये एकदम लग रहा है दुबई में आ गए भाई, ये दुबई कॉपी कर रहे हैं भाई ये तो। कॉपी मॉल जैसा कुछ है ये इसके अंदर। कुछ ऐसा कुछ लिखा है यार नाम। देखो भाई क्या खूबसूरत सा नज़ारा आगे का और इधर का भी। हेलो तो ये शायद शॉपिंग मॉल है यार, मेरे को जितना अभी तक पता चला है।
तो भाई ये एक मॉल है खूबसूरत सा, जो योट टाइप बना रखा है, जो यहाँ के नोमड लोग का हाउस होता है ना, उस हिसाब से इन्होंने बना रखा है योट टाइप, और अंदर में बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। और ये देख लो, ये मॉल का थोड़ा सा नज़ारा ले लो, ये बहुत ही खूबसूरत बना रखा है भाई। तो अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ भाई। बड़ा मज़ा आया यार, वो आप बिल्डिंग देखी होगी, बहुत ही खूबसूरत सी थी। और ये वाली बिल्डिंग पूरी दुबई जैसी लगती है भाई, एकदम देख लो। और सामने में देख लो भाई, ये सारी बिल्डिंग है पूरी दुबई जैसी लग रही है। और वो सामने में एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे अभी जाना है। और हमने ये ले लिया है, परगत चला रहा है क्या, 35 टेंगे मिनट है भाई, तो सस्ता ही है। और लगभग रात हो, शाम हो चुकी है, लेकिन अभी बज रहे हैं, बताता हूँ कितना, 9:04 हो रहे, लग रहा है कि अभी 6 बज रहे शाम के भाई। देख लो झरने वरने खूबसूरत सा। अभी लगभग 1 किलोमीटर जाना है, तो अभी जा चलते हैं। बैठो, हाँ बैठो यहाँ से ही। हाँ भाई, सो भाई गडीरा, इसको ये गडीरा बोलता है भाई, मुँह कान ना तोड़ दे बस कभी, क्योंकि अभी और कंट्री को रसिया मुँह कान तोड़ के नहीं जाना चाहता मैं। मेरे को लगे पैसे खत्म हो गए। नहीं खत्म हो गए, अरे इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे, थोड़ा रुक के क्यों चलता है फिर। अरे बहुत ही इसका दो लोग बैठ गए ना, तो कैसे चलेगा स्पीड, वो बंदी को साथ तो ऐसे जाते हैं। अरे यार वो लोग को एक्सपीरियंस है भाई। तेरे पास वो है क्या है, फोन इसको पॉज कर, हम थोड़ी वीडियो बनाते हैं ना रुक के। अच्छा तो ठीक है, तो रोकेगा तब तो पॉज करूंगा ना मैं। हाँ। भाई थोड़ा सा और ये व्यू है यहाँ का, और ये बिल्डिंग है बहुत मस्त दिख रही है भाई, देख लो एकदम फाउंटेन के साथ। और ये बिल्डिंग सबसे दिखा रहा था मैं, अभी ये सामने आ गया भाई बहुत। तो भाई अभी कैमरा गिरा था, पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं, देख लेता एक बार, काम तो चलो कर रहा है भाई। सो जो पीछे मार्केट दिख रही, जिस मॉल में ले गया था, तो उसका नाम है खान मार्केट। और जस्ट अभी आए हैं बैतरिक टावर, तो इसका नाम है, जो आप टावर देख रहे हो इसका नाम है बैतरिक टावर। सो भाई जस्ट आ गए इसके सामने, बहुत ही खूबसूरत सा ये अट्रैक्शन टूरिस्ट, यहाँ पे इसके अंदर लिफ्ट भी भाई, और एकदम फ्लावर जैसा बना है, और फ्लावर के अंदर में एक गोल सा गेंद है भाई। और यहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग आते हैं और घूमते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है यार। मैं भी देख के बहुत ही इतना अट्रैक्ट हुआ ना इसको कि मैं आने से रहा नहीं गया मुझे। तो ये टूरिस्ट एट्रैक्शन नंबर 3, एक सिटी थी और ये एक मॉल था, और तीसरा नंबर ये है भाई, तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको सामने से दिखा देते हैं, थोड़ी लाइटिंग आ रही है, आगे जाके और दिखाएंगे। और यहाँ का व्यू, यहाँ की स्कूटी बहुत चलती है भाई, ये वाली हमने भी ले रखी है और घूम रहे हैं। प्रिवेत हेलो, या रूस की चूचू गवारी, इंग्लिश की निजनायो, इंग्लिश की चूचू, ओ गुड, यस आई एम अ ब्लॉगर इंडिया फ्रॉम इंडिया दा। I'm studying math and in our uni is more Indians. Oh, right. You are studying medicine? Yeah. Oh, I think you will meet so many Indians, right? Yeah. In Karaganda street. Yes, Karaganda also. Yes. And Almaty as well. Almaty also, right? Yes. So, Uchin Priyatnavako. Nice to meet Aslan, you all of you. Vicky. Previous. Aslan. Aslan. Pargat. Jai Hindi. So, bhai, dekh rahe ho kitni bheed hai yahan pe. सब लोग आ रहे हैं देख देख के, और बहुत ही फेमस जगह है भाई, सब लोग आते हैं यहाँ पे देखते हैं। आप देख रहे जो भीड़ से आप पता देख सकते हो। हेलो प्रिव्यत, जस्ट मेरे पीछे जो बैतरिक टावर है आपको अभी क्लियर दिख रहा है, लाइटिंग अच्छी है और बहुत ही खूबसूरत सा है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। तो ये है भाई बैतरिक टावर, और जस्ट सामने में जो है प्रेसिडेंट पैलेस, वो जो येलो दिख रहा है बहुत दूर में, लगभग नहीं तो 800-900 किलोमीटर है यहाँ से। और यहाँ की कुछ बिल्डिंग है भाई, और ट्रैफिक रुक गई है, और जब 2 सेकंड बचा है भाई। तो ये कुछ लाइटिंग है ऐसी, जैसे हमारे यहाँ राजपथ में दिखता है वैसा ही कुछ है यहाँ पे न्यू दिल्ली में, तो बहुत ही खूबसूरत सा बना रखा है भाई इसके अंदर। तो उसके सामने भी चल के दिखाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है, और ये पार्क खूबसूरत है, और यहाँ पे सब देखो एकदम जोड़े में घूमते रहते हैं। हेलो, विकी, माय नेम शिकिस, शिकिस, वेयर आर यू फ्रॉम, कजाकिस्तान, व्हिच पार्ट,
Which city? Which city? Gorath Adhuna. Okay. I'm from India. Goodbye. So बहुत अच्छे लोग हैं यार यहाँ के. Bye bye. So previous. तो भाई बेहतरीन टावर और सामने में प्रेसिडेंट पैलेस भाई. क्या बात कर रहा है खूबसूरत. Yes. Express. It's okay. नहीं तो? Yes yes. School का? Нарсат Амина. Амина. Yeah. Очень приятно. Откуда? Дом. Хорошо. Давай я. Привет. Ордер кие. Имя, имя. Экспрессо. Black coffee. 250 тенге का. स्कूल का ग्लास. लगभग नहीं तो 50-60 रुपए की है भाई. स्कूल स्कूल. 500 टिंगे. दो कॉफी भाई. तो 500. ये कॉफी कैफे था, नाम है सपा कैफे और जस्ट प्रेसिडेंट पैलेस के पास है और बैटरी टावर के पास भाई. तो भाई बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे, तो सोचा रहा नहीं गया मैं सोचा दिखा दूँ. और जस्ट सामने है प्रेसिडेंट पैलेस और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है भाई. और बैटरी टावर अभी फिर से दिखा रहा हूँ और यहाँ की ये बिल्डिंग बहुत अच्छा खासी. बज रहे हैं रात के 10 और चलते हैं अभी. सो यहाँ पे लाइटिंग कुछ अच्छी है भाई, तो शायद मैं अच्छे से क्लियर दिख रहा हूँ. और मेरे पीछे जो दिख रही है बिल्डिंग वो बहुत ही खास बिल्डिंग है, तो उसका नाम है प्रेसिडेंट पैलेस और उसमें प्रेसिडेंट रहते हैं भाई. बहुत ही शानदार सी बिल्डिंग है और हर प्रेसिडेंट पैलेस की बिल्डिंग की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है. और यह शानदार सी बिल्डिंग भाई बहुत ही खूबसूरत है. और यहाँ पर हमेशा आपको पुलिस दिखेगा भाई, हर बार कार से इधर उधर घूमते रहता है, गार्डिंग करते रहता है. तो वो वाली बिल्डिंग भी देखते हैं और ये वाली तो खूबसूरत सी है भाई. सो भाई पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं अभी जा रहे हैं एक्सपो 2017, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है. और चलते हैं वहाँ पे, कैब बुक किए, 1200-1300 टिंगे पड़ी है भाई. और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई, और ये है कजाकिस्तान का झंडा. दूसरी बिल्डिंग देख रहे हो, इसका नाम है एक्सपो 2017, जैसा कि मैं थोड़ी दूर में दिखाया था, अभी पास से दिखा रहा हूँ. और ये पूरी गोल बिल्डिंग है और इसकी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सी है भाई. और यहाँ पे पूरी अच्छी खासी पार्क वर्क बना रखी है, इतना खूबसूरत बना रखा है यहाँ पे. रात को उतना मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन दिन में दिखता, लेकिन ये जो लाइटिंग है वो मिस करते हैं आप रात में, तो इसलिए मैं क्या किया कि रात में दिखाया ये लाइटिंग के लिए. क्योंकि वो दिन में क्या है ना, सिर्फ वो आपको गोल बिल्डिंग दिखती है, लेकिन अभी क्या ना उसमें लाइटिंग लगी और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा डिस्प्ले करके प्रेजेंट करते हैं भाई. देख लो जो अभी सामने से दिखा रहा हूँ, ये पूरी गोल बिल्डिंग है और ये ऐसी ऐसी बिल्डिंग है और उस पर गोल सा है भाई. बहुत ही आई लव अस्ताना भाई, बहुत ही मस्त सा प्रेजेंट किया है इन्होंने आई लव अस्ताना को. तो भाई आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन देख सकते हो मेरे पीछे, इतनी बड़ी है ना भाई, इतनी बड़ी मॉस्क मैंने कभी नहीं देखी है भाई. बहुत ही बड़ी, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा है. देख लो कितनी बड़ी मीनार है भाई इसकी, और इतनी बड़ी है ना भाई, बहुत ही बड़ी है ये तो भाई. दिन में तो और खूबसूरत दिखता है, लेकिन लाइटिंग के साथ और भी अच्छी दिख रही है. सो गाइस यहीं पे अभी मॉस से निकल चुके हैं, कैब बुक किया था, तो यहाँ कैब थोड़ी सस्ती है भाई. यहाँ पे लगभग नहीं तो 350-360 रुपये में मुझे 10 किलोमीटर के लिए कैब बुक किया है, दो लोग के लिए. और ये जो है 10 बजे
तो एक अब यहाँ पे जा सकते कितना सेफ है कजाकिस्तान, नाइट में 12 बजे रात के बज रहे हैं और ये लेडी ड्राइवर है भाई, तो सोच सकते हो। और देख लो भाई इनको, तो शायद वो कैमरे में आने सही है। तो भाई ये अभी इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं भाई ये है, तो चलते हैं रूम पे, मिलते हैं वहीं पे, वीडियो को एंड करेंगे। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 12:30, देख सकते हो। और देखो स्टोर खुला है भाई, ये मार्केट है। अभी जस्ट जो हमें लेडी ने ड्रॉप किया, एक्चुअली वो टैक्सी ड्राइवर थी और रात को चलाई थी, उसके हस्बैंड आर्मी में था भाई। मेरे को ये अच्छा लगा, यहाँ हर कोई काम करता है और कोई ये नहीं करता भाई, क्या बोलते, छोटा बड़ा काम नहीं समझता। ये मार्केट में घुस रहे हैं, देख लो भाई 12 बजे खुली है अभी तक, 12:30 पे रात के 24 घंटा खुला रहता है यहाँ पे। तो आपको कुछ भूख लगे या कुछ सब मिल, 24 घंटे यहाँ पे सर्विस है, ये इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा। तो देखते हैं क्या खाना है भाई, भूख लगी है। चिकन ले जाए, बना के खाएंगे राइस चिकन। क्या खाएगा